गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के लाइव जुड़ जाइए, अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग आज के सेशन को आगे बढ़ाएं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू योर नाइन्थ करिकुलम। एंड जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि अगर हम कोई भी थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे तो उसके एक्सपेरिमेंटल पार्ट को जरूर डिस्कस करेंगे। एंड इन दिस लेक्चर वी विल गोइंग टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। So as you know that in the previous lectures we had already studied that Newton Maharaj ने हमको तीन basic fundamental laws दिए जो motion से related थे, that is first law, second law, third law, है ना? So first law is related to law of inertia, second law is the law of change in momentum, and the third one is law of equal reaction for every action. Okay, so these are the three laws given by the Newton. तो आज हम इस सेकेंड लॉ पर बेस्ड एक्सपेरिमेंट को एक परफॉर्म करेंगे और ये देखेंगे कि जो न्यूटन ने कहा था वो कितना हद तक सही था। तो पहले तो हम ये देखें कि भाई न्यूटन ने कहा एक्चुअली क्या था, है ना? So as the Newton said in his second law that if we change in the momentum of the body then that change occur in terms of a force. अगर हम किसी बॉडी के मोमेंटम में चेंज करते हैं तो वो चेंज उस बॉडी पर लगाए हुए फोर्स के इक्विवेलेंट होगा, फोर्स के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम मोमेंटम की बात करें, सपोज दिस इज अ बॉल moving with uniform velocity u, okay, and by applying some force or by some external agency you turn this velocity into v. If m is the mass of this body then the momentum here p1 is mu and here the momentum p2 is mv, that is mass times velocity. So change in momentum, that is delta p equals to p2 minus p1, that is mv minus mu, okay, that is m times v minus u. So Newton said that force is equals to rate of change of momentum delta p over delta t, that is m times v minus u over t. And as you know that v minus u can be written as change in velocity, that is delta v over delta t, and hence we get the formula force equals to mass into acceleration. क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास टर्म निकल के आया है rate of change of velocity with respect to time, this function is called acceleration of the body. ठीक है, acceleration. तो ये जो न्यूटन सेकेंड लॉ से हमारा एक रिलेशन ड्राइव हुआ फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्चुअली इसी लॉ को हम वेरीफाई करेंगे आज के इस एक्सपेरिमेंट में। कैसे वेरीफाई करेंगे ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो हम क्या करेंगे, हम एक ब्लॉक लेंगे और उस ब्लॉक का मास बार बार चेंज करेंगे और उस पर फोर्स लगाएंगे और देखेंगे कि ये ब्लॉक कितने फोर्स पर मूव करना शुरू किया, इसने मोशन स्टार्ट कर दी। तो अगर हमारा ये न्यूटन का लॉ सही है, इफ दिस न्यूटन लॉ इज सेट, इज दिस न्यूटन लॉ इज राइट, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। यानी अगर आपने ब्लॉक का मास आप बढ़ा रहे हो तो उसको मूव करने के लिए भी ज्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। ये रिजल्ट हमारा आना चाहिए अगर हमारे न्यूटन महाराज बिल्कुल सही है। तो आइए इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग ड्राइव करते हैं, परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कैसी ये चीजें होती हैं। लेट्स गो देयर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक वर्चुअल लेबोरेटरी की वेबसाइट है। वर्चुअल लेबोरेटरी ये आपको सिस्टम प्रोवाइड कराता है। मैं अपने पिछले कई सारी वीडियो लेक्चर्स में इस वर्चुअल लेबोरेटरी की इंफॉर्मेशन दे चुका हूं और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से भी इन चीज को देख सकते हो, किस पे कैसे इस पे अकाउंट बनाते हैं, कैसे इस पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, ये सब चीजें हम देख चुके हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग सिमुलेटर में, परफॉर्म करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट।
तो ये है हमारी लैब का सेटअप, दिस इज आवर सेटअप ऑफ लैब। एज यू कैन सी यहां पर हमारे पास एक ब्लॉक है, मैं दिखा देता हूं आपको, हियर यू कैन सी, ये हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास हम इस कर्सर की हेल्प से घटाते बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। चलिए, एक हमारे पास ये ऑप्शन है जो हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी की वैल्यू को बताता है। ये बेसिकली हम इसे अर्थ पे सेट कर लेते हैं क्योंकि हमें अर्थ के लिए ही निकालना है। एंड दिस पर्टिकुलर फंक्शन, दिस पर्टिकुलर कर्सर गिव्स अस द फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, फ्रिक्शन कोफिशिएंट कि हम अपनी ये जो टेबल है, हमारी ये जो टेबल है, इस टेबल की फ्रिक्शन को हम कितना घटा या बढ़ा सकते हैं, उसका डिसीजन हम यहां से ले सकते हैं। और ये है हमारी बैलेंस, ये है हमारा स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस की ये जो मीटर है वो जूम विंडो में यहां आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम फोर्स लगाएंगे वैसे वैसे यहां पे हमें पता चलता रहेगा कि हमने कितना न्यूटन फोर्स लगाया है, ओके। तो ये ध्यान रखिए, ये 0 से 1 तक 10 मार्क है, तो यहां से यहां तक 1 न्यूटन, यहां से यहां तक 2 न्यूटन, ठीक है। सो 0 to 1, 0 to 2, तो ये न्यूटन है और इस तरफ किलो न्यूटन में। तो ये सब चीजें हमारा ये इसका सेटअप है। और बढ़ते हैं हम इसके एक्सपेरिमेंट पार्ट की तरफ। तो फॉर एक्सपेरिमेंट मान लीजिए हम इसको अर्थ के लिए सेट कर लेते हैं और हम अपने मास की जो वैल्यू है वो सेट कर देते हैं सपोज 0.1 किलोग्राम, 0.1 किलोग्राम। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप अलग अलग पेज पे एक जगह आप लिख ले सकते हैं मास, यहां पर आप लिख सकते हैं सीरियल नंबर, आपको टेबल भी बनानी पड़ेगी, है ना। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं बेटा तो आपको एक्सपेरिमेंट के जो फाइंडिंग्स हैं उनको एक टैबुलेटेड फॉर्म में अच्छे से लिखना चाहिए ताकि आपका जो भी रिजल्ट आया उसे आप लोगों को समझा सकें। तो ये मान लीजिए सीरियल नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 हो गए हमारे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या चूज किया था, मास, और मास हमने कितना चूज किया, 0.1 किलोग्राम, और यहां पर हमें मिलता रहेगा फोर्स उसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। चलिए, तो रफनेस को हम 0. मान लीजिए 0.3 पे सेट कर देते हैं, 0.3 पर। ध्यान रखिए कि ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है ये हम एक कांस्टेंट फ्रिक्शन कोफिशिएंट के लिए कर रहे हैं, कांस्टेंट फ्रिक्शन कोफिशिएंट। बेटा इसका मतलब ये है कि अगर आप रियल लैब में जाकर इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करोगे तो जिस टेबल के ऊपर रख के आप अपना ब्लॉक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, क्या हर एक रीडिंग के बाद अपनी टेबल को चेंज करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। यानी टेबल की जो फ्रिक्शन है वो एक कांस्टेंट टर्म है किसी एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए। तो इसीलिए हमने यहां पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो म्यू है उसकी वैल्यू 0.3 पर सेट कर ली, ठीक है। तो हमारे ये जितनी भी सेट ऑफ रीडिंग्स हैं वो इस 0.3 फ्रिक्शन कोफिशिएंट के लिए होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमारा सेट हो गया, हमने मास अज्यूम कर लिया। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा, यहां पर लिखा हुआ है अप्लाइड फोर्स, आपको ये देखिए यहां दिखा हुआ होगा अप्लाइड फोर्स, यानी इस बटन पे क्लिक करके आप फोर्स को अप्लाई करेंगे। चलिए अप्लाई करते हैं। सो व्हेन यू अप्लाइंग द फोर्स इट इज बीइंग मूव्ड ओवर हियर, now you can see here that force is now applied and block is now starting motion. So now if you observe over here, then you can see this is your first set of reading of your force, and this is called your F1, this is called F1 first force. So here is 0.5 newton,
and here is 0.1, so this one is 0.2. So this mark is related to 0.2 Newton. So 0.2 Newton is your first force reading, and you can write down it into your table. So where is our table? Here is. So the value of force is 0.2 Newton. Now, moving to the next experiment, we have to reset it now. तो इसे एक बार हम रीसेट करेंगे. रीसेट करने के बाद फिर से अब हम अपने मास की वैल्यू बढ़ा देंगे. मान लीजिए हमने मास की वैल्यू कर दी 0.3 किलोग्राम. आपको यहां पर 0.3 किलोग्राम लिखा हुआ दिख रहा होगा, और अपनी रफनेस को फिर से वही 0.3 एंड देन अगेन स्टार्ट अप्लाइंग द फोर्स. सो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. आपको इधर विंडो में दिख रहा होगा कि ये नीचे फोर्स अप्लाई होना शुरू हुआ. एंड नाउ इट विल स्टार्ट मोशन नाउ. सो हियर इट इज स्टार्ट नाउ. इट्स स्टार्टिंग द मोशन. सो हियर इट इज नाउ. फॉर सेकेंड सेट ऑफ रीडिंग वी टेक द वैल्यू ऑफ मास इज 0.3. वी टेक द रीडिंग. मास इज now 0.3 kg, and that corresponding value is 0.5, 0.6, 0.7 and 0.8 Newton. So this particular point is representing 0.8 Newton. This is 0.8 Newton. Okay, so we will write this value in the second table, 0.8 Newton. So if you observe these two set of readings, while you have used 0.1 kg, the force is 0.2 Newton. When you use 0.3 kg, the force is 0.8 Newton. यानी जैसे जैसे आपने मास बढ़ाया वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ता जा रहा है. यानी जो हमारा न्यूटन का फॉर्मूला था, दैट इज फोर्स मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास. So this can be verified from this table. कि अगर force की, अगर आप mass की value बढ़ाएंगे तो लगने वाले force की value भी बढ़ती रहेगी for a constant acceleration. Okay? चलिए बढ़ते अपने third set of reading की तरफ. third set of reading लेते हैं. तो third set of reading लेने के लिए फिर से इसे reset करेंगे. reset करते ही फिर से अपनी primary state में आ जाएगा. इस बार मान लीजिए हमने block का mass कर दिया 0.5 kg, रफनेस कर दी वही 0.3 kg, और फिर से फोर्स अप्लाई करना शुरू किया. तो ये अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, एंड नाउ इट इज स्टार्ट मोशन. ओके, तो इस टाइम इसकी वैल्यू कितनी है आपको बहुत क्लियर दिख रही होगी आई होप फिगर में, कि यहां पर ये 1 न्यूटन कवर हो गया है. 1 के बाद 1, 2, 3, 4, सो दैट इज 1.4 न्यूटन. सो दिस इज वैल्यू ऑफ योर F3. तो ध्यान रखिए 0.5 किलोग्राम मास पर 1.4 न्यूटन. सो 1.4 न्यूटन, सॉरी 1.4 न्यूटन एट 0.5 kg. हम अब एक और सेट ऑफ रीडिंग यहां पर ले सकते हैं बड़ी इजीली, बहुत आसानी से, और इसको करके फिर हम अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे. नाउ again we can reset this setup. So we take the value of mass is 0.7 kg, roughness 0.3, and then again start applying force. So now it is being seen by you that it is very clear that now the reading of fourth reading is at exactly at 2 Newton. F4 equals to 2 Newton. Okay, so at 0.7 kg the applied force is 2 Newton, and you can write down in your table that is 0.7 kg
एंड द वैल्यू ऑफ फोर्स इज 2.0 न्यूटन. ओके, सो नाउ इफ यू कैन सी हियर दैट एट 0.1 kg द फोर्स इज 0.2 न्यूटन, एट 0.3 kg द फोर्स इज 0.8 न्यूटन, 0.5 kg फोर्स इज 1.4 न्यूटन, 0.7 kg फोर्स इज 2 न्यूटन. इट मीन्स जैसे जैसे हम मास बढ़ाएंगे वैसे वैसे अप्लाइड होने वाले फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी फॉर एन कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन एंड फॉर अ कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन कोफिशियंट फॉर अ कॉन्स्टेंट टेबल. यानी अगर आप बार बार मेज की सरफेस को चेंज ना करें तो, क्योंकि अगर आपने मेज की सरफेस को चेंज कर लिया, कोई चिकनी मेज ले ली, तो शायद रीडिंग्स में थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकते हैं, आ सकते हैं. तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखिएगा. तो इस तरह से हम लोगों ने अपने जो न्यूटन का जो एक्सपेरिमेंट है वो वेरीफाई किया. अब हम लिखते कैसे हैं इसको. सो द प्रोसीजर इज गिवन टू योर द मेथड, द प्रोसीजर, द मेथड ऑफ राइटिंग द प्रैक्टिकल, इट इज ऑल्सो गिवन इन योर लैब मैनुअल. बट इन द एंड ऑफ द कंक्लूजन यू कैन राइट डाउन दैट फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन टेबल, इट इज क्लियर दैट ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ मास, द वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीजिंग. Hence, the Newton's second law is verified. So, on increasing value of mass, value of force also increases. Value of force is also increasing. Hence, Newton's second law is verified. Okay, चलिए अब इस चीज को अगर आप ग्राफ से दिखाना चाहें, बेटा आप ध्यान रखिएगा ना, ये चीज का स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिएगा. और वैसे मैं ये आप कोशिश करूंगा कि आपके ग्रुप में भी इसको चीज को सेंड कर दूं. अगर मान लीजिए हमें इसके लिए कोई ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, ग्राफ प्लॉट करना है, तो कैसे प्लॉट करेंगे. एक हम ग्राफ ले लेते हैं और ग्राफ की मदद से भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो चलिए हमने एक ग्राफ ले लिया. नाउ सपोज हम इस पॉइंट को अपना ओरिजिन ले लेते हैं, ओरिजिन, ठीक है, दिस पॉइंट इज ओरिजिन. और ये हमारी एक लाइन हो जाती है, यू नो, ये हमारी एक एक्सिस है, ठीक है, और एक एक्सिस है ये. ठीक है, इस एक्सिस में हम एक तरफ ले लेते हैं मास और इस तरफ ले लेते हैं फोर्स. ये है हमारा फोर्स. ठीक है, तो मास हमने क्या क्या लिया है. मान लीजिए यहां पर 0.1 kg है, यहाँ 0.3 kg है, यहाँ 0.5 kg है, 0.7 kg है. ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, तो इस तरह 0.3 kg, यहाँ पे 0.5 kg, यहाँ पर 0.7 kg. ठीक है, और इस तरफ ऊपर जो y एक्सिस है, ये y एक्सिस की तरफ ले लेते हैं हम अपना, ये x एक्सिस है, y एक्सिस की तरफ अज्यूम कर लेते हैं फोर्स. तो फोर्स की वैल्यूज हमें क्या क्या मिली थी, 0.2, 0.8, 1.4 एंड 2.0. ओके, तो 0.2, तो सपोज दिस वन इज 0.2, दिस वन इज 0.4, दिस इज 0.6. जस्ट अ मिनट बेटा, सपोज दिस इज 0.2, दिस इज 0.4, दिस इज 0.6, दिस इज 0.8, दिस इज 1.0. ओके, सो अभी हम अगर शुरू के तीन सेट ऑफ रीडिंग्स ले निकालें, तो 0.1 पे 0.2, 0.1 पे 0.2, ठीक है,
पॉइंट थ्री पे 0.8 एंड 0.5 पे 1.4 0.5 पे 1.4 विच विल बी समथिंग समवेयर इज हेयर ओके एंड देन द फोर्थ पॉइंट विल बी मोर अबव देन दैट पॉइंट सो इफ यू मेक दीज लाइन देन यू कैन गेट एन इंक्रीजिंग कर्व यू गेट सो व्हाइल यू आर मेकिंग दिस पर्टिकुलर ग्राफ ऑन योर ग्राफ कॉपी यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन कर्व इन इंक्रीजिंग ऑर्डर विच टेल्स यू दैट दिस पर्टिकुलर न्यूटन्स लॉ इज वेरीफाइड बिकॉज व्हाइल इंक्रीजिंग द मास force is also increasing that mass is directly proportional to F and force is directly proportional to mass so I hope ye experiment aapko yahan tak clear ho gaya hoga samajh mein aa gaya hoga aur aaj ke is video ko hum yahi wrap up karte hain is experiment ko aap please apne lab manuals mein zarur note kare readings is video se aapko mil sakti hain iske alawa jab aap school mein jaye lab mein jaye tab apne teachers ke sath is experiment ko zarur perform kare आप और जो लोग मेरे कॉन्टेक्ट में हैं वो मेरे साथ इस एक्सपेरिमेंट को जरूर परफॉर्म करें एंड इट विल बी अ रियली वेरी बिग फन ओके थैंक यू स्टूडेंट्स